हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड प्रतिभा। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड, आज का डी आई वाई स्टार्ट करते हैं। आज का डी आई वाई हमारा बहुत ही सिंपल सा और ये डी आई वाई हमारा बहुत ही कम पैसों में बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये कच्चे एग लिए हैं मैंने, इनका जो अंदर का मटेरियल था वो मैंने निकाल लिया है इस तरीके से होल करके। तो इस तरीके से आप भी होल करके इनका मटेरियल का अंदर का निकाल सकते हैं। फिर इनको वॉश कर लिया मैंने और इसी साइज़ में मैंने सभी एग्स में होल किया है। और अब इनको इनका करना क्या है तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा मेरा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये वाइट सीमेंट ली है मैंने और इस एग के अंदर मैं इसको डालूंगी। इसको डालना कैसे है, पहले मैं इसको करीब 8-10 स्पून मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरे 5-6 एग करीब मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से उसका लिक्विड फॉर्म बना लेंगे इस तरीके से। और इसका जो इसको जो पेस्ट बनाना है वाइट सीमेंट का, तो हमें इतना बनाना है, ना ही ज़्यादा एकदम लिक्विड हो ना ही ज़्यादा एकदम थिक हो। तो ये हमारा बन गया है। मैंने इस तरीके से इनमें देखिए एग में इनको भर दिया है। अब इसको हम 5-6 घंटे के लिए करीब इसको इसी तरीके से रख देंगे जिससे ये सेट हो जाए बढ़िया से। ये देखिए हमारा बढ़िया सा सेट हो गए हैं। अब इसको हम ऊपर का जो एग की जो शेल है उसको निकाल देंगे इस तरीके से और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। आप नाइफ़ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी हाथ से भी निकल जाएगी। इसी तरीके से हम सभी एग की शेल निकाल लेंगे। ये हमारा वाइट सीमेंट से बना हुआ एग है ये, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और अब हम इसका करेंगे क्या, तो आप देख सकते हैं इनको मैंने सारी इसकी जो शेल थी वो निकाल ली है। तो आज मैं इन वाइट सीमेंट के एग से बनाने वाली हूँ ई एमोजी के फेस। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ येलो कलर का एक्रेलिक कलर, इससे मैं इसको कवर कर दूँगी। और मैं यहाँ पे जो भी कलर यूज़ करूँगी सभी एक्रेलिक कलर ही यूज़ करूँगी। और फिर इनको ड्राई करने के लिए करीब 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए आप। तो सभी एग पे पहले तो हम येलो कलर से कवर कर देंगे इनको। और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं घर पे। और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए मैंने सभी पे कलर कर लिया है येलो कलर। अब मैं इनको ड्राई करने के लिए रख दूंगी। तो हमारे ये ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डबल कोट एक बार और करूंगी येलो कलर। डबल लेयर में कलर करने से क्या होगा, जो भी इसमें पोर होंगे, छेद होंगे, उभरा हुआ, वो स्मूथ हो जाएगा। और इससे क्या होगा, लुक अच्छा आएगा जो हम ई एमोजी के फेस ड्रॉ करेंगे इस पर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए इस पर डबल लेयर कर देते हैं हम। आप करना चाहे तो कर भी सकते, नहीं तो इसको नहीं भी कर सकते हैं, बट करेंगे तो अच्छा इससे लुक आएगा। तो इस पर इसको डबल लेयर करके इसको मैं ड्राई करने के लिए फिर रख दूँगी। येलो कलर ड्राई हो चुका है और मैंने फेस भी ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं इन ई एमोजी के फेस पर कलर करूंगी। जो आपको फेस पसंद हो वो ड्रॉ कर सकते हैं, हैप्पी फेस या फिर फनी फेस, जो आपको पसंद हो वो फेस को ड्रॉ करके उस पर कलर कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इन फेस पे कलर कर देती हूँ। और इन पे कलर बहुत ही सावधानी से करिएगा, थोड़ा जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, आराम से कलर करिएगा जिससे बहुत सुंदर लगेंगे।
और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ, और अपने फ्रेंड फैमिली सभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए प्लीज़। आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। और फ्रेंड मैं जो भी कलर्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सभी एक्रेलिक कलर हैं, ये भी जो मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ ये भी एक्रेलिक कलर है, तो मैं सभी पे एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ, और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे तो इनको ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। बनाना भी बहुत आसान है, और फ्रेंड हमारे सभी ईमोजी के फेस बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप सभी सुंदर सुंदर से लग रहे हैं,
ये हमारे ई इमोजी के फेस हैं, तो आप भी बनाइए अपने घर पे और अपने घर को डेकोरेट करिए। इनको कहीं भी रख सकते हैं आप, किचन में या फिर ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहां आपको अच्छा लगे। और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।